गुड इवनिंग, इट्स मी मरियम रियाज और आप देख रहे हैं स्कोप 360। और इस वक्त मैं, आप गेस कर सकते हैं, स्पेशली लाहौरी तो बिल्कुल गेस कर लेंगे कि मैं इस वक्त कहाँ हूँ। ये वीडियो सबके लिए है, लेकिन स्पेशली ये वीडियो फूड लवर्स के लिए है जिनको खाने पीने का बहुत शौक है। तो इसी तरह हम आपके लिए खाने पीने के हवाले से एक वीडियो लेकर आए हैं और मैं आज आपको विजिट करवाऊंगी। आप मेरे पीछे देख सकते हैं हवेली। आपने इसका बड़ा नाम सुना होगा कि यहाँ की लोकेशन बहुत अच्छी है। इस पर आप इवनिंग में यहाँ पे आप टॉप फ्लोर पे जाएं, इसका व्यू बड़ा अच्छा आता है और पीछे आप इसकी बैक पर बादशाही मस्जिद देख सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं, अंदर चलते हैं और देखते हैं कि वेलकम टू हवेली रेस्टोरेंट। थैंक यू सो मच। नाज़रीन आप देख सकते हैं कि मैं इस वक्त हवेली रेस्टोरेंट के अंदर आ चुकी। सर आपका नाम? नवीद इकबाल। तरसे से? मैं, मुझे 8-9 साल हो गए हैं यहाँ पे। माशाल्लाह। अच्छा, मैंने सुना है कि यहाँ पर आपका म्यूज़ियम भी है। जी बिल्कुल, म्यूज़ियम भी है, ये मुकम्मल एंटीक्स है। उसी एंटीक्स को हमने म्यूज़ियम भी साथ तैयार किया है। ये जो यहाँ पे कल्चर है, एंटीक्स है, तलवारें वगैरह भी हैं हमारे पास लगी हुई हैं, ये फर्नीचर वगैरह जो है ये सारा पुराना है। ओके, तो आप हमें अपने म्यूजियम का विजिट करवा सकते हैं? प्लीज आप आए, मैं आपको, लेट्स गो। हमारे जो लोग आ चुके हैं हमारे पास, ये वो लोग हैं, ये हमारे ऑनर हैं और ये प्रेसिडेंट साहब हैं आरफ अलवी साहब, ये हमारे जीएम साहब हैं अहमद हसन साहब, और ये लोग सारे आ चुके हैं हमारे पास खाना खाने। तो नाज़रीन आप ये देख सकते हैं कि बड़ी खूबसूरती से इन्होंने ये गैलरी सेट की हुई है, जिन सेलिब्रिटीज़ ने और नॉन पर्सनैलिटी ने विज़िट किया है इन्होंने बड़ी खूबसूरती से इसको यहाँ डिस्प्ले किया हुआ है। और ये कब की, किस ज़माने की गाड़ी? ये काफ़ी पुरानी है, ये तकरीबन होगी 100-150 साल से ज़्यादा है। और ये इनका बाकायदा जो पुरानी जंगों में इक्विपमेंट इस्तेमाल होता था, इन्होंने उसको भी डिस्प्ले किया हुआ है। इट्स वेरी नाइस। तो ये आप अपने हर विजिटर्स को यहाँ आपका विजिट करवाते हैं? जी बिल्कुल। तो क्या हर आने वाले को पता होता है कि यहाँ पर आपने एक म्यूजियम भी, यहाँ आपको बताना पड़ता है? हम खुद गेस्ट को बताते हैं कि हमारे पास म्यूजियम है, आप देखिए, आप चेक करें। ओके, ये इन्होंने कॉस्ट्यूम भी रखा हुआ है, क्या मैं ये पहन सकती हूँ? ये वैसे भी पहना बना है, ये पहना बना है। सो इट्स अमेजिंग। तो आप अगर यहाँ पर विजिट करें, अगर यहाँ पर हवेली रेस्टोरेंट में आएँ, तो आप इनका म्यूज़ियम भी लाजमी विज़िट करिएगा। और जैसे आपने लोकेशन भी देखी कि बहुत अच्छी थी और बड़ी खूबसूरती से ये अपने नाम को डिस्प्ले कर रहे हैं, उसकी पूरी पिक्चर आप हवेली नाम को आप देख सकते हैं कि इन्हों के फील में, इनके एम्बियंस में नज़र आ रहा है। और मैंने सुना कि इससे पहले ये गुरुद्वारा था। गुरुद्वारा नहीं था, गुरुद्वारे बिल्कुल बादशाह मस्जिद के पास है, ये एंटीक्स बिल्डिंग है, ये तकरीबन 150-200 साल पुरानी है। 150-200 साल सिखों के पास थी, सिखों के बाद जाके मुसलमानों के पास है, मुसलमानों ने इसको कन्वर्ट किया है इसको। वेरी नाइस, अच्छा आइडिया था वैसे ये। चलें अब चलते हैं इनके मेन रेस्टोरेंट की तरफ चलते हैं। नाज़रीन आप देख रहे हैं कि इस वक्त मैं इस हवेली रेस्टोरेंट की मोस्ट अवेटेड प्लेस पर, मोस्ट अमेजिंग प्लेस पर आ गई हूँ और आप मेरे पीछे व्यू चेक कर सकते हैं, दिस इज़ सो एग्जॉटिक। और जब ऐसी जगह पर बैठकर आप खाना खाएं जो आपका, बल्कि हर एक का पसंदीदा मशगला होता है, तो फिर आपके खाने को चार चांद लग जाते हैं। और इस हवेली रेस्टोरेंट की सबसे स्पेशलिटी ही इसका व्यू है, मोस्टली लोग इसके व्यू के लिए ही आते हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये बादशाही मस्जिद है और इसके बिल्कुल साथ शाही किला है और सारी तारीखी इमारतें हैं, और इनकी भी, इन तारीखी इमारतों की भी खूबसूरती से आप वाकिफ़ ही हैं अगर आप लाहौरी हैं। और लाहौरी नहीं भी हैं तो अगर आप दूसरे शहरों से भी आते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी, ये प्लेस ज़रूर रेकमेंड करूँगी कि आप इधर ज़रूर आएँ। दिस इज़ इन वर्ल्ड सिटी और बहुत ही खूबसूरत जगह है। वैसे तो मेरा भी यहाँ पर पहली दफ़ा आना हुआ है, लेकिन आई वॉज़ रियली एक्साइटेड जब मैं यहाँ के लिए आ रही थी, जबकि मेरी टीम को वैसे वेट करना पड़ा तो उनको मैंने सॉरी किया, लेकिन फिर यहाँ के एक्साइटमेंट में वो भी भूल गए मेरा वेट करना।
साथ इस वक्त होटल का कुछ स्टाफ मौजूद है हवेली रेस्टोरेंट का, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, योर गुड नेम? निशा। निशा, आप कितने अर्से से यहाँ काम कर रहे हैं? मुझे यहाँ पे 6 years हो गए। तो कैसा जा रहा है आपका एक्सपीरियंस? काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस जा रहा है। तो यहाँ पर जो आपके कस्टमर क्लाइंट्स आते हैं तो उनके क्या रिव्यूज़ हैं? रिव्यूज़ अच्छे हैं, हवेली का पेज ओपन करके देख सकती हैं। ऑलराइट, और आप मुझे ये बताएं कि यहाँ की सबसे स्पेशल डिश कौन सी है? स्पेशलिटी में तो हमारा सारा मेन्यू ही है, लेकिन बारबेक्यू भी हमारा स्पेशल है। उसके अलावा ग्रेवीज भी हैं हमारे पास, कॉन्टीनेंटल भी है, चाइनीज़ भी है। मेन्यू तो सारा ही स्पेशल है हमारा। ये खाने वाले पे डिपेंड करता है कि वो क्या खाना चाह रहा है। ये भी ठीक है। और मैं देख रही हूँ कि आपके यहाँ पर, यानी कि अभी गर्मी का मौसम है, लेकिन फिर भी आपके यहाँ पर काफ़ी रश है। जी बिल्कुल, ऐसे ये समर्स हों या विंटर्स हों, यहाँ पे मोस्टली मतलब वीकेंड पे इतना ही क्राउड होता है। ओके, तो आपके पास वैसे यहाँ पर डे टाइम में ज़्यादा रश होता है या डिनर में? लेट नाइट तक भी होता है हमारा। तो कितने बजे से कितने बजे तक आपका ये होटल रेस्टोरेंट ओपन? 2 बजे से रात 2 बजे तक। ओके, वेरी नाइस। 2 बजे से रात 2 बजे तक ये खुला होता है और आप किसी भी टाइम यहाँ का विजिट कर सकते हैं। और ये आपको मेरे से पीछे से लाइट सा म्यूज़िक की भी आवाज़ आ रही होगी, जो कि यहाँ पर इसके एम्बियांस को बड़ा ही खूबसूरत बना रहा है कि यू रियली इंजॉयड। आप यहाँ पर ज़रूर विज़िट करिएगा, इट्स रियली गुड। तो अब इनके बाकी हॉल्स देखते हैं, उधर का विज़िट करते हैं। आइए मेरे साथ। यहाँ पर एक बड़ी खूबसूरत सी और यंग सी लेडी मौजूद है, तो उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, योर गुड नेम? सुंबल। सुंबल, आप यहाँ पर? या आई एम रेस्टोरेंट मैनेजर हियर। एंड यू आर सो यंग, और इतनी सी उम्र में आप रेस्टोरेंट मैनेजर हैं। बस ये मेरे लक को का। तो ये आपने ये प्रोफेशन, योर हॉबी फूड से कुछ स्पेशलिटी लवर थी? या आई लव हॉस्पिटैलिटी फील, सो दैट्स व्हाई आई एम हियर। मुझे 6-7 years हो गए हैं। ऑलराइट, अच्छा 6-7 years से आप यहीं पर हवेली रेस्टोरेंट के साथ ही काम कर रही हैं? या दिस इज़ नॉट माय फर्स्ट रेस्टोरेंट, एक दो जगह और किया हुआ है, बट आई लव दिस प्लेस, सो दैट्स व्हाई आई एम हियर। 4-5 years मुझे यहाँ पे हो चुके हैं। चलिए ग्रेट, माशाल्लाह। और अच्छा, मुझे अपने इस रेस्टोरेंट की स्पेशलिटी बताएं, कौन सी डिश सबसे ज़्यादा यहाँ पर यानी कि पॉपुलर है? बेसिकली हमारे पास सब कॉन्टीनेंट फूड है, और हमारे पास उसके अलावा कॉन्टीनेंटल की भी ऑप्शन है, चाइनीज़ की भी है, और हमारे पास शनवारी भी है। ठीक है, हमारा हर जो जितने भी सेक्शन है, हर सेक्शन की डिफरेंट जो आइटम्स हैं, डिफरेंट स्पेशलिटीज़ हैं। हमारा बारबेक्यू बहुत अच्छा है, बारबेक्यू में हमारी ग्रिल चॉम्प्स और रेशमी कबाब, मलाई बोटी, और स्टार्टर्स में हमारा चिकन चीज़ नान बहुत अच्छा है। और इसके अलावा टकाटक में, तवा फूड में हमारा टकाटक स्पेशल है, तवा चिकन है। तो उसके अलावा हमारे पास कॉन्टीनेंटल में स्टेक्स हैं, पास्ता है, लाइक हर चीज़ मौजूद है। बिल्कुल ऐसे है, बिल्कुल। और इस समय आपका फेवरेट फूड क्या है? मैं बेसिकली ज़्यादातर कॉन्टीनेंटल लाइक करती हूँ। तो सुंबल को कॉन्टीनेंटल ज़्यादा पसंद है? लेकिन मुझे देसी फूड भी पसंद है, लेकिन आपको पता है आजकल फीमेल्स को मोस्ट प्रॉब्ली जो है वो कॉन्टीनेंटल ज़्यादा पसंद होता है। तो आप डाइट तो नहीं करती? यही तो आपकी फिटनेस का राज तो नहीं है? नहीं, आई एम नेचुरल, मैं कोई डाइट नहीं करती, मुझे जो भी मिले मैं खा लेती हूँ, बिल्कुल भी डाइटिंग नहीं करती। चलें, थैंक यू सुंबल, आपसे बात करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और ये वीडियो स्पेशली फॉर फूड लवर्स थी। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। और मेरे पीछे भी इस वक्त भी आप एटमॉस्फेयर देख रहे हैं, ये रूफ टॉप पर इनका है जहाँ पर इस वक्त मैं खड़ी हुई हूँ, और इधर बड़ा अच्छा एम्बियांस है। और ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं लाइव सिंगिंग कर रहे हैं, और यहाँ पर बड़ी अच्छी सी एक फील मुझे आ रही है, बड़ा एक डिफरेंट सा एरोमा है, बड़ी कूल सी हवा आ रही है, और बड़ा अच्छा इस वक्त एटमॉस्फेयर हो गया। तो अगर आप लोग भी आएँ तो इसी टाइम पर विज़िट करें, सो इट वुड बी गुड फॉर यू। सो अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।